पूरी इमारत
कहता है कि उसके ऊपर हमें जीवन में बहाना है, तो हमारे अंदर कुछ ऐसे बदलाव
परी कहता है कि आज भी गंगा को हमारे जीवन में बहाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना करने के लिए कह रहे हैं कवि, देखते हैं। पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो, तुम सगर के पुत्र हो अमर। देखो कवि कहना चाहता है कि पहचानो स्वयं को, मनुष्य भूल गया है कि वो खुद क्या है, उसके बारे में भूल गया है कि वो क्या कर सकता है। तो इसकी पहचान कराने के लिए कवि कहता है कि पहचानो स्वयं को, विस्मृति न हो। विस्मृति का मतलब है भूल जाना। विस्मृति का मतलब क्या है? भूल जाना। तुम सगर के पुत्र हो अमर, हिम्मत न हारो कदापि। हिम्मत न हारो कदापि, ये तुम्हारी होगी तथापि। तुम कभी भी अपने जीवन में आने वाले संकटों से भागो मत। तुम क्या करो? कर्म करते रहो। अपने संकट में आने वाले हर मुसीबत का सामना करते रहो, तभी तुम्हारी जीत होगी। ऐसे कवि का कहना है। मनुष्य क्या कहता है? देखिए, उसके ऊपर जब संकट आता है, कोई मुसीबत आता है, तब वो उससे भागने लगता है। तो मुसीबत उसे नहीं छोड़ती, वो भागता रहता है, भागता रहता है। हमें क्या करना है? उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, तभी वो मुसीबत दूर हो जाएगी। नहीं तो हमारे पीछे लगी तो हम सिर्फ भागते रहेंगे, भागते रहेंगे। हिम्मत न हारो कदापि, ये तुम्हारी होगी तथापि। और ऐसी चीज हासिल करने के लिए हमारे पास आत्मविश्वास, साहस और परिश्रमशीलता होनी चाहिए। अगर ये तीन गुण हमारे अंदर हो तो हम कौन सी भी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकेंगे। हिम्मत न हारो कदापि, ये तुम्हारी होगी तथापि। हाँ, एक होकर बल भगीरथ तुम लगाओ जो। सिर्फ हमें क्या करना चाहिए? एकजुट होकर काम करने चाहिए। कोई अकेला आसानी से कोई काम नहीं कर सकता। हमें अगर कोई बड़ा काम कार्य करना है तो हमें क्या करना है? एकजुट होकर काम करना चाहिए। कोई स्वच्छता का काम हो, कोई पेड़ पौधे लगाने का काम हो, ऐसे बड़े बड़े जो काम है वो मिलजुल कर अगर हम करें तो वो काम आसानी से नहीं हो सकते हैं और हमें कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ऐसे काम हमें करने आने चाहिए। हाँ, एक होकर बल भगीरथ तुम लगाओ जोर। भगीरथ यह राजा सगर के वंश में से ही एक है, जिन्होंने अपने कार्य से क्या किया था? देखो, जित तुम्हारी होगी तथापि। हाँ, एक होकर बल भगीरथ तुम लगाओ जोर। जिस तरह से भगीरथ राजा ने कार्य किया था उसी तरह तुम भी जोर लगाओ। कौन सा कार्य किया था वो देखिए। हाँ, एक होकर बल भगीरथ तुम लगाओ जो, गंगा उसी उत्तर पर बहेगी। यह कोई अकेले का काम नहीं है। राजा भगीरथ ने जो काम किया था वो काम उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या से किया था। और हम जो अभी काम करने वाले हैं वो क्या करेंगे? एकता से करने के लिए कहा है। हाँ, एक होकर बल भगीरथ तुम लगाओ जो, गंगा उसी उत्तर पर बहेगी। सभी हमने अगर इतनी बड़ी तपस्या की कि गंगा भी लाचार होकर धरती पर रहने के लिए विवश हो जाएगी। यहाँ पर अवसी का मतलब है, अवसी का मतलब है लाचार। तो कवि कहता है कि हाँ, एक होकर बल भगीरथ तुम लगाओ जोर, गंगा अवसी उत्तर पर बहेगी। इस तरह राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की थी। उसी प्रकार हमें क्या करना है? इस गंगा को हमारे जीवन में अगर बहाना है तो हमें एकता से काम करना चाहिए, तभी हमारे काम आसानी से पूरे हो सकेंगे। तब खेत दंग दंग दहाएंगे, ये जब धरती पर बहेगी खुशहाली होगी गंगा। अगर धरती पर बहेगी तब क्या बदल होगा? देखिए, तब खेत दह दह दर दहाएंगे, खलिहान रह रह गीत गाएंगे। खुशहाली रूपी गंगा हमारे खेतों में जब बहेगी तब ये खेत दह दहाएंगे, खलिहानों से गीत सुनाई देने लगेंगे। खलिहान का मतलब है जहाँ फसल काटकर रखी जाती है वह जगह, उसे खलिहान कहते हैं। तो ऐसे खलिहानों में गीत सुनाई देने लगेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? इस गंगा को हमारे जीवन में बहाना चाहिए। और ये गंगा को बहाना है, इसके लिए हमें क्या करना है?
देखना फिर मानवीय अस्तित्व का कलश अपने आप चमकेगा।